आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूल के छात्र घर से ही दे सकेंगे परीक्षा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, 47 सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, कितनी होगी फीस बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, राजस्थान में सरकारी भर्तियों का सुलझेगा पेश, जल्दी सरकार को देंगे रिपोर्ट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर डिजिटल होंगे यूपी के गांव, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही है हाई स्पीड इंटरनेट, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य के 20 शहरों में सरकार ने लगा दिया है नाइट कर्फ्यू, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो गुजरात सरकार ने मानी हाईकोर्ट की सलाह, 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू का किया है ऐलान। गुजरात में लगातार दूसरे दिन 3,000 से ज्यादा मामले मिलने के बाद सरकार की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि वायरस के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं, इसके बाद गुजरात की सरकार ने बुधवार से 30 अप्रैल तक यहाँ पर 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इस दौरान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर पाबंदियां जारी रहेगी। गुजरात के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गुजरात में बढ़ती कोविड स्थिति के बीच हाईकोर्ट ने सलाह दी थी कि कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन संक्रमण की चेन को तोड़ सकता है। बढ़ते मामलों पर न्यायाधीश ने कहा था कि मुद्दा यह है कि चीजें नियंत्रण से बाहर जा रही है। अब ऐसे समय में प्रतिदिन 700 से ज्यादा मामले के चलते अहमदाबाद बुरे हाल में है। वहीं उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात होंगे जहां लॉकडाउन को लगाना पड़ेगा। उन्होंने 3-4 दिन के कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन की बात यहां पर कही थी। वहीं सरकार ने अपने आदेश में सामाजिक समारोह से लेकर दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए यहां पर नए नियम जारी कर दिए हैं। अब शादी में केवल गुजरात के अंदर 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि इस महीने सभी यहाँ पर शनिवार को सब यहाँ पर दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि एडवोकेट जनरल कमल द्विवेदी ने कहा है कि सरकार अपने हिसाब से वीकेंड कर्फ्यू के सुझाव पर अमल करे। वहीं राज्य के अहमदाबाद और सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़ और गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नड़ियाद और मेहसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा और दोहाद और भुज और गांधीधाम, भरूच और सुरेंद्रनगर, अमरेली में यहां पर रात का कर्फ्यू की घोषणा की गई है। सीएम विजय रूपाणी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज चर्चा हुई, वे चिंतित थे। हालांकि जैसे जैसे राज्य में मामले बढ़ रहे हैं कुछ नए नियम यहां पर लागू किए गए हैं। यहां दिन हो या रात किसी भी तरह की यहां पर कोई भी बड़ा जुमावड़ा, मतलब यहां पर गुजरात के अंदर दिन हो या रात हो किसी तरह का कोई बड़ा जुमावड़ा यहां पर नहीं होने दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो डिजिटल होंगे यूपी के गांव, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही है हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में पढ़ाई करने वाले हर छात्र को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी में है। सरकार 45,000 ग्राम सभाओं को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ रही है। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को भी पढ़ाई के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। दूसरे गांव के लोगों के लिए एक ही क्लिक में अपने क्षेत्र में हुए जो विकास होता है उसका यहां पर कार्य की हर एक जानकारी उनको मिल सकेगी। वही योगी सरकार नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन योजना के तहत ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को ये सौगात देगी। योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की राह आसान बनाने की ओर अग्रसर है। यूपी के 24 करोड़ आबादी में से 70% लोग गाँव में रहते हैं। वही छात्रों को इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ छात्र उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ भी उठा सकेंगे। वही हाई स्पीड इंटरनेट होने के कारण स्लो इंटरनेट की बाधा खत्म होगी और छात्रों को आसानी से कंटेंट यहां पर डाउनलोड करने को मिलेंगे। वही प्रदेश सरकार राज्य के 45,000 ग्राम सभाओं को डिजिटल करने की तैयारी यहां पर कर रही है। वही पंचायत भवन में सर्वर लगाया जाएगा। पंचायत भवन के डिजिटल होने के बाद गाँव के लोग तक यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं उन तक यहाँ पर सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुँचाई जा सकेगी। गाँव के लोगों को एक क्लिक में हर जानकारी यहाँ पर मिल सकेगी। वही गाँव में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने हैंडपंप लगाए गए हैं, कितने शौचालय की स्थिति क्या है, ये सब कुछ जानकारी आपको ऑनलाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। वही गाँव में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ ही गाँव वालों को इंटरनेट संबंधी हर सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। डेबिट कार्ड से पेमेंट और डिजिटल वॉलेट से भुगतान और डिजिटल गाँव की स्कीम के तहत मिनी बैंक और मिनी ATM और होटल बुकिंग और मोबाइल और DTH रिचार्ज जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं और 11वीं के छात्रों को घर बैठे ही देनी होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। इस फैसले के मुताबिक अब 9वीं और 11वीं के छात्रों को घर पर ही रहकर परीक्षा देनी होगी। दरअसल ये फैसला प्रदेश में कोरोना संक्रमण के वर्तमान में बने हालातों के मद्देनजर लिया गया है। वही सरकारी विद्यालयों में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल से पेपर दिए जाएंगे। इन पेपर्स को विद्यार्थी घर ले जाकर
वो हल करेंगे और उत्तर पुस्तिकाओं को स्कूल में आकर उन्हें जमा कराना होगा। साथ ही सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जारी आदेश में निजी विद्यालयों को विकल्प दिया गया है कि वे 9वीं और 11वीं की सालाना परीक्षा, 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में किसी भी तरीके से वो आयोजित कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की सालाना परीक्षाएं और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल से होनी है। वहीं राज्य बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 1 मई से आयोजित यहां पर की जानी है। वहीं बोर्ड द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों का सुलझेगा फेस, जल्दी सरकार जारी करेगी रिपोर्ट। पिछले कई सालों से विभिन्न अड़चनों की वजह से अटकी शिक्षा विभाग की भर्ती जल्द यहां पर अनलॉक हो सकती है। इन भर्तियों को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अफसरों की यहाँ पर बैठक ली। बैठक में शिक्षक भर्ती 2016, शिक्षक भर्ती 2018 वे प्रथम श्रेणी व्याकरता भर्ती 2018 को लेकर लगभग 2 घंटे यहाँ पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने भर्तियों के पेज को सुलझाने का यहाँ पर अफसरों को निर्देश दिया है। आगामी 1-2 दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से इन भर्तियों को लेकर सरकार को रिपोर्ट यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद बेरोजगारों की अटकी भर्तियों को लेकर नौकरियों की जो राह है वो खुल सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2018 की रीट भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लगभग 4 महीने पहले एक बैठक ली थी। इसके बाद रीट 2018 के जरिए हुई तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक और सूची यहां पर जारी हो चुकी है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के रिक्त पदों को लेकर कई सालों से विवाद जारी है। मामला न्यायालय तक भी पहुंचा है। अब विभाग की ओर से न्यायालय के आदेश के मुताबिक रिक्त पदों का पूरा गणित यहां पर निकाला जाएगा। यदि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी तो एक सूची और जारी हो सकती है। वही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की भर्ती में कई विषयों में पद रिक्त है। वही अभ्यर्थियों की ओर से लगातार एक प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों के लिए नए सिरे से जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि ये मामला भी न्यायालय में उलझा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पदों के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से सूची जारी की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों ने सूची को न्यायालय में चुनौती दी है। वही अभ्यर्थियों का तर्क है कि आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। मतलब उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन इसमें नहीं किया गया है। ऐसे में एक और सूची यहाँ पर जारी की जाए, ऐसे में शिक्षा विभाग इस मामले में मंथन पर जुटा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो हरियाणा सरकार का बड़ा पैसा, 47 सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा इंग्लिश मीडियम। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी नए सत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर व सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस कड़ी में अम्बाला में 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 40 प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा। CBSE के साथ अनुबंध यहाँ पर किया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने की घोषणा के साथ ही वहाँ एडमिशन लेने के इच्छुक बच्चों और अभिभावकों यहाँ पर पहुँचने लगे हैं स्कूलों के अंदर। वहीं कुछ अभिभावक प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को हटाकर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। अम्बाला शहर के गाँव बोनाखेड़ी में बने गवर्नमेंट स्कूल को मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जिसमें सरकार की ओर से सभी सुविधा उपलब्ध यहाँ पर करवाई जा रही है। इंग्लिश मीडियम के लिए स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है, जो भी डिमांड है उसे यहाँ पर पूरी की जा रही है। वही 6वीं क्लास से लेकर 8वीं तक के 35 बच्चों का सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है। 70 की तरह 9वीं और 12वीं के 40 बच्चों का भी एक सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है। वही कोविड गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला की प्रिंसिपल नीलम गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने जो कदम उठाया है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है और अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर हमारे स्कूल में दाखिला दिलाने आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में नहीं थम रहे हैं कोरोना के नए मामले। एक दिन में आए कोरोना के सबसे ज्यादा 1,15,000 से ज्यादा नए मामले। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 1,15,320 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। यानी अब तक भारत में कोरोना के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले रविवार के दिन भी भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। वो मामले थे 1,03,000 के आसपास ये मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 3 दिनों में दूसरी बार 1,00,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस भारत में सामने आए गए हैं। वहीं कोविड-19 से पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कारण 730 लोगों की मौत भारत में हुई है, जिससे देश में इस वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,67,000 पार हो गई है। वही कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक्टिव केसों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 2 दिनों में आंकड़ा 7,00,000 से बढ़कर 8,00,000 पार चला गया है। वही देश में एक्टिव केसों की संख्या 8,43,754 हो गई है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए मामलों के सामने आने के बाद देश में यहाँ पर जो औसतन मामले हैं
एक हफ्तों की बात करें तो एक हफ्ते में जो औसतन मामले हैं वो 53,041 हो गए, यानी ये औसत 53,041 का औसत हो चुका है भाई। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते से ये केस बढ़ने लगे थे, अब यहाँ पर कोरोना की स्थिति भारत में बेकाबू हो रही है भाई। केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा था कि कोविड-19 पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत यहाँ पर भयंकर तरीके से तेजी से फैल रहा है। इस महामारी से यहाँ पर बचने के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आफत आ जाएगी। वही एक समय ऐसा था भारत में जब कोरोना के मामले बिल्कुल नीचे यहाँ पर आ गए थे। इस साल 1 फरवरी के दिन भारत में 8,000 कोरोना के केस आए थे, उस दिन ये इस साल में सबसे कम संख्या थी। इसके बाद लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 55,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ 10,000 मामले दिल्ली, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई से यहाँ पर थे। वही केंद्र सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश और गुजरात में कोविड के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इन राज्यों में ही देश के 80% नए मामले आए हैं सामने। वही छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,921 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, ये कि इस राज्य में यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के केस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 5,100 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 27 नवंबर के बाद ये सबसे ज़्यादा अधिक केस है। वही पिछले साल 27 नवंबर के दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो कोरोना के केस सामने आए थे वो 5,482 नए काम जो केस आए थे, इस वक्त ये केस यहाँ पर उसकी बराबरी ने कर दी है। वही दिल्ली में अब तक 11,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के कारण मौतें हो चुकी है। वही इन केसों की बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, यानी ये नाइट कर्फ्यू दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में धमाकेदार कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही गुजरात में तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने आज गुजरात के 20 और शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान में अब तक 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 2,236 नए कोरोना के केस यहां पर सामने आए थे। वही 13 लोगों ने इस दौरान 24 घंटों में राजस्थान के अंदर दम तोड़ा था। वही राजस्थान में कुल मामलों की संख्या 3,43,000 पार हो चुकी है। वही मृतकों की संख्या 2,854 पहुँच चुकी है। वही एक्टिव केसों की संख्या राजस्थान में 16,000 के पार पहुँच चुकी है, जो कि चिंता का विषय है।